हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और मेरी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको डोनट बनाकर दिखाने वाली हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर आप पहली बार बनाने वाले हैं तो भी इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। और जो डो हम बनाने वाले हैं उसी डो से आप चाहे तो ब्रेड भी बना सकते हैं या कुछ और भी बना सकते हैं। चलिए झटपट देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी लिया है, पानी या दूध कुछ भी ले लीजिए और कम ही लीजिए। 2 चम्मच मैंने चीनी ली है और यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी डाला था, ठीक है। 2 कप मैदे का इस्तेमाल करने वाली हूँ तो 1/2 कप पानी डाला था और चीनी घुलते घुलते अभी पानी गुनगुना गर्म हो चुका है। पानी जब गुनगुना गर्म हो तभी आप इसके अंदर ईस्ट डालें। यहाँ पर देखिए मैंने लिया है एक्टिव ड्राई ईस्ट। यहाँ पर हम डालेंगे 1.5 चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच ईस्ट डालना है 2 कप मैदे के लिए, ठीक है। यानी 1 कप मैदा हो तो 1 चम्मच से कम यानी कि 1/4 चम्मच हमें ईस्ट चाहिए। तो 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर ईस्ट डाल दिया और अभी अच्छे से मिलाकर रख देंगे ढककर। लगभग 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे और तब तक के लिए हम मैदा ले लेते हैं। मिला लिया मैंने और अभी ढककर इसी तरह से रख देंगे। तो चलिए अभी हम मैदे की तैयारी कर लेते हैं। पहली बात तो मैदा हम छान कर यूज़ करेंगे और जो मैंने पहले ही बताया था कि 2 कप मैदे का इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो पहले ये 1 कप ले लिया और ये 2 कप अच्छे से छान लेंगे। और इतना सा काम करते करते यहाँ पर 5 मिनट तो हो ही जाएंगे, तो उसके बाद हम ईस्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हम छान लेते हैं और अभी हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 चम्मच नमक स्वाद के हिसाब से, यानी कि 2 कप के लिए 1/2 चम्मच काफ़ी है। अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद ये जो ईस्ट का पानी है, ईस्ट और चीनी और पानी, दूध भी ले सकते हैं या तो पानी भी ले सकते हैं। ये देखिए ईस्ट किस तरह से फूल चुका है, तो ये पानी हम डाल देंगे। मैंने थोड़ा सा ही पानी लिया था, ज़्यादा पानी बिल्कुल ना ले, तो ये पानी हम पूरा ही डाल देंगे। किसी भी हालत में पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा ही पानी लीजिए। और अभी हम थोड़ा और पानी साइड में रखेंगे, गुनगुना पानी, गुनगुना गर्म पानी रखेंगे। तो यहाँ पर चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ और उसके बाद हम हाथ से गूँथेंगे। अभी हम तेल ठेल कुछ नहीं डालेंगे, तो पानी मैंने थोड़ा सा गुनगुना गर्म कर लिया है, इसमें से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा गूँथ लेंगे जैसे कि नॉर्मल हम गूँथते हैं। तो अभी लास्ट में अभी हम डालेंगे थोड़ा तेल। यहाँ पर लगभग 2 टेबलस्पून या तो 1/4 कप से थोड़ा कम होगा, मैंने नाप कर तो नहीं डाला है लेकिन डाला है 2 चम्मच जितना। तेल डालने के बाद गूँथने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से हम चिकना से डो बनाकर तैयार करेंगे और ढक कर रख देंगे। सो दोस्तों, 3 घंटे बाद ये है हमारा डो। देखिए कितना फूल चुका है। जब तक डो डबल नहीं होता है तब तक हमें काम नहीं करना है, इसीलिए समय दीजिए। अगर सर्दी का मौसम है तो थोड़ा गर्म जगह पर रखिए और इंतज़ार कीजिए। जब डबल हो जाए उसके बाद आप इसको फिर से एक बार गूँथ लीजिए। हाथ में थोड़ा तेल या मैदा लगा लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा गूँथ लीजिए। हमारा डो अभी बिल्कुल तैयार है। अभी चलिए हम डोनट बनाएंगे। तो अभी इस डो को हम ले लेंगे एक चकली पर। इसी डो से आप चाहे तो ब्रेड भी बना सकते हैं, कुलचे भी बना सकते हैं। तो हाथ में थोड़ा मैदा ले लेती हूँ मैं और ये जितना डो है इसको मैं 2 हिस्से में डिवाइड कर लूँगी और उसके बाद डोनट बनाऊँगी, क्योंकि चकली छोटी है। अच्छे से गोल करेंगे चिकना करके, मैदा छिड़क लेंगे ताकि बेलने में आसानी हो जाए। चलिए फिर इसको हम हल्का सा बेल लेते हैं, थोड़ा मोटा ही रखेंगे क्योंकि डोनट बहुत पतला होता है तो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो इस तरह से हम थोड़ा मोटा करके बेल लेंगे। और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, बहुत मोटा रखेंगे तो हमें उस तरह से बड़ा करके ही करना पड़ेगा। तो हम इतना बड़ा डोनट नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा करके बनाएंगे। तो पहले मैं काट रही हूँ, एक स्टील का ग्लास लिया मैंने, इसकी मदद से मैं काट ले रही हूँ। और डोनट का शेप देने के लिए बीच में से भी हमें कट करना पड़ेगा, तो बीच में काटने के लिए मैं ले रही हूँ एक बोतल का ढक्कन। आप चाहे तो किसी भी शेप का डोनट बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए ये छोटा सा ढक्कन है, इसके मदद से बीच में हम कट कर लेंगे। अगर बीच में नहीं काटेंगे तो जब आप फ्राई करेंगे तो बीच में से बिल्कुल फूल जाएगा पूरी के जैसा, इसीलिए बीच में थोड़ा सा छेद रखना ज़रूरी है।
डोनट के अलावा जो भी बाकी का डो है ये हम निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा डो मतलब जो रह गया है डो उसके साथ मिलाकर फिर से डोनट बनाएंगे। तो इनको हमें रखना है। एक प्लेट ले रही हूँ मैं, एक ट्रे ले रही हूँ, इसके ऊपर मैदा छिड़क लेना है। अगर आप बेकिंग पेपर पर रख सकते हैं तो ठीक है, अगर बेकिंग पेपर नहीं है तो इस तरह से मैदा छिड़क लीजिए और उसके बाद डोनट को इस तरह से रख लीजिए। थोड़ा सा गैप करके रखना है ताकि फूलने के बाद एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। इनको हम इसी तरह से रखते जाएंगे, जितना बनाएंगे उतना सारा का सारा बनाकर इस तरह से रख कर ढाक कर रखना है हमें थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर मतलब कि कम से कम आधे घंटे के लिए तो रखना ही है। तो देखिए दोस्तों, आधा घंटा बाद यानी कि मैंने सारा डोनट बना लिया था, उसके बाद आधा घंटा रेस्ट पर रखा, तो ये देखिए ये बिल्कुल फूलकर अच्छे से तैयार हो चुके हैं। सारे के सारे डोनट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, इतने हुए हैं। देखिए सारा मैंने ढाक कर रखा था। तो अभी चलिए, अभी हम फ्राई करने के लिए जाएंगे। फ्राई करने जाने से पहले दो चीज़ें हम अरेंज करके रखेंगे। यह है मेरा चॉकलेट सिरप और यहाँ पर लिया है मैंने कुछ पीसी हुई चीनी। आप चाहे तो शुगर डोनट बना सकते हैं या तो चॉकलेट डोनट। तो ये दो चीज़ हम गार्निश करने के लिए रखेंगे। तो चलिए अभी हम फ्राई करने के लिए चलते हैं। तेल बिल्कुल हल्का गरम तेल चाहिए, मीडियम गरम नहीं, हल्का गरम तेल चाहिए और हमें मीडियम से लो हीट पर तलना है। तो हल्का हल्का करके हम पलटते जाएंगे, पलट पलट कर हम इस तरह से बिल्कुल लाल लाल करके फ्राई करेंगे डोनट्स को। बिल्कुल हल्के हाथों से ये काम करना है ताकि किसी भी हालत में डोनट्स हमारा ख़राब ना हो, टूटे ना। और हीट भी हमें ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम टू लो हीट पर ही पूरा तलना है हमें शुरू से लास्ट तक। ये देखिए दोस्तों, हमारा डोनट बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है और ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इनको निकाल लेंगे और इसी प्रोसेस में बाकी जितने भी डोनट्स हैं उनको हम तल लेंगे। और तेल निकाल कर गरम गरम डोनट्स को हम यहाँ पर कोट करेंगे पाउडर शुगर में। ये बिल्कुल गरम है, गरम गरम ही कोट करेंगे तो अच्छे से कोट हो जाएगा। अगर ठंडा हो जाएगा तो चीनी अच्छे से चिपकेगी नहीं, इसलिए इसी तरह से मैं कोट कर लेती हूँ। आप चाहे तो शुगर डोनट भी इस तरह से शुगर से कोट करके बना सकते हैं, या तो आपके पास अगर चॉकलेट है तो चॉकलेट को मेल्ट करके आप उसको गार्निश कर सकते हैं, या तो चॉकलेट सिरप हो, चॉकलेट स्प्रेड हो, उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट सिरप है। चॉकलेट सिरप से मैं सिर्फ एक ही डोनट बनाऊंगी, क्योंकि मेरी बच्ची को शुगर डोनट बहुत पसंद है, चॉकलेट डोनट वो नहीं खाती है। इसलिए मैं सिर्फ एक ही चॉकलेट डोनट बना रही हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। और चॉकलेट से गार्निश करने के लिए एक्चुअली क्या है कि डोनट को थोड़ा सा ठंडा कर लेना चाहिए था। ये बहुत ही गर्म था इसलिए चॉकलेट अच्छे से चिपका नहीं है। थोड़ा सा ठंडा करके अगर चिपकाएंगे मतलब लगाएंगे चॉकलेट को तो बहुत अच्छे से गाढ़ा करके लग जाएगा। ऊपर से मैंने थोड़ी सी चीनी छिड़का दी है। तो देखिए दोस्तों, हमारे डोनट्स बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छे बने हैं। तो मैं एक तोड़कर दिखाती हूँ आपको, देखिए अंदर से कितनी अच्छी तरीके से बिल्कुल फूले हुए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर बना है और इससे भी अगर आप मोटा करेंगे तो और भी अच्छा दिखेगा।